हल्की ठंड शुरू हो चुकी है। यह बड़ा ही मज़ेदार और सुहाना मौसम होता है। शाम के समय और अर्ली मॉर्निंग काफ़ी अच्छी और सर्द हवाएं चलती रहती है और बहुत ही सुकून देती हैं। चाय का स्वाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है और इस मौसम को कहा जाता है गुलाबी ठंड। तो फैक्ट्री बाय विकास का आज का वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए, जिसमें हम आपको यही बताएंगे कि ये जो हल्की ठंड होती है इसको आखिर गुलाबी ठंड क्यों कहते हैं, आखिर पीली ठंड, लाल ठंड या काली ठंड क्यों नहीं कहते हैं। हिंदी साहित्य में गुलाबी शब्द को कई स्थानों में प्रयोग किया जाता है। मूल रूप से गुलाबी एक रंग का नाम है और प्रकृति में कार्नेशन पुष्प के रंग सबसे पहली बार गुलाबी कहा गया था। गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। दाम्पत्य जीवन में इसे सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। इस रंग को ध्यान से देखने पे मन में कोमल भावनाओं का संचार होता है। यह रंग आंखों को शीतलता प्रदान करता है और वातावरण में ऊर्जा का संचार करता है और गुलाबी रंग खुशी का भी प्रतीक होता है। गुलाबी रंग उत्सव को दर्शाता है। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि इस ठंड को गुलाबी ठंड क्यों कहते हैं। हिंदी साहित्य के अनुसार गुलाबी शब्द का उपयोग सुहावना, आनंददायक, अच्छा लगने वाला, गुलाब जल की तरह सुगंधित आदि के लिए किया जाता है। यदि रंगों की बात करें तो गुलाबी एक ऐसा रंग है जो कोमलता का प्रतीक है और गुलाबी रंग की संज्ञा स्त्रीलिंग है। महिलाओं को गुलाबी रंग बहुत ज़्यादा पसंद है और महिलाएं गुलाबी रंग में अच्छी लगती है। शायद यही कारण है कि शीत ऋतु के जो शुरुआती हल्की ठंड होती है उसी को गुलाबी सर्दी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया जरूर से फॉलो कर लिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।